जब हम प्रधानमंत्री जी जीते थे 2019 में, तो उनको भी बधाई दी थी, और उनको हम झांसी की रानी तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि जो वो तो मतलब के गोलायत थे, डेविड नहीं थे। तो हमने उनको भी मुबारकबाद दी। जब जो जो भी नेता जीतता है किसी भी चुनाव में, मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने भरपूर जोर लगाया, मतलब के कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं था जो उन्होंने छोड़ा हो, सभी चीजों का इस्तेमाल किया, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उनको एक भाईचारे के जैसे उनकी मदद की, उसके बावजूद अगर दो तिहाई बहुमत ममता जी ले जाती हैं, तो सही तौर पे उनको झांसी की रानी का ओहदा मिलना चाहिए।